देखिए क्वेश्चन नंबर 86, इसके पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक स्टडी किया था. नाउ टुडे 86. इफ ए इज मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 3 a 1 और ए इनवर्स दिया है 1/2 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 -1 -8 6 2b 5 -3 1 देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी के वैल्यूज हमें निकालने हैं. तो यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है, जब ए और ए इनवर्स दिए हैं जिसमें ए और बी ये मैट्रिक्स दिए हैं, तो आपको कंसेप्ट यूज करना है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर. यानी जब इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर ये यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है. 3 by 3 का है तो ये ऐसा ही रहेगा. तो अगर हम थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लेस का एलिमेंट यहां पे आता है ए इंटू ए इनवर्स में, तो वो उसका आंसर 0 आने वाला है. तो डायरेक्टली हम ये 1/2 बाहर लिखेंगे और थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 -8a + 5 इज नथिंग बट इक्वल टू 0. यानी 8 - 8a इज इक्वल टू 0. तो 8a इज इक्वल टू आएगा 8, a इज इक्वल टू आएगा 1. वैसे ही अगर हम इसके बारे में निकालनी है तो फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे. फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट आने वाला है, तो ये 1/2 फिर से हम यहां पे लेंगे. फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम यानी 0 + 2b + 2 इज इक्वल टू आएगा 0. यानी आएगा 2b इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू आएगा -1. तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -1. तो चेक कीजिए 1 - 1 को 1 - 1, यानी d इज योर करेक्ट आंसर. d आंसर आपका करेक्ट होगा. समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 के लिए. 87 में दिया है a + i = this matrix 1 3 4 -1 1 3 - 2 - 3 1 और आपको फाइंड करना है a + i * a - i. अब देखिए a + i मैट्रिक्स तो आपको दिया है, a - i निकालना है, तो हम इसमें से 2i सबट्रैक्ट करते हैं. यानी ये ऐसा होगा a + i - 2i इज इक्वल टू दिस मैट्रिक 1 3 4 - 1 1 3 - 2 - 3 1 - 2i means 2 0 0 0 2 0 0 0 2. समझ में आ रहा है आपको? तो a + i - 2i यानी a - i मिलेगा, -2i यानी ये मैट्रिक्स, इसमें की सब्ट्रैक्शन करो तो ये मैट्रिक्स आएगा 1 - 2 - 1 3 4 - 1 - 1 3 और ये आएगा -2 - 3 - 1 1 - 2. यानी इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो a - i मैट्रिक्स मिलेगा. अब इसने इसको मल्टीप्लाई करना है तो a + i * a - i इज इक्वल टू, डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 - 3 - 8 - 1 - 3 - 8 यानी -12. फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 3 - 3 - 0 - 12 - -12. फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 4 + 9 - 13 - 4 - 9. ठीक है, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 - 1 - 0 - 6 - -6. सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम -3 - 1 - 3 - 1
माइनस फोर माइनस नाइन माइनस थर्टीन. सेकेंड रो इनटू थर्ड कॉलम माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर. थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम ये टू प्लस थ्री फाइव माइनस टू इज थ्री. ये माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री इज माइनस सिक्स. एंड लास्ट वन इज माइनस एट माइनस नाइन माइनस सेवनटीन माइनस वन इज माइनस एटीन. तो चेक कर लीजिए इसे माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व नाइन माइनस सिक्स माइनस थर्टीन माइनस फोर थ्री माइनस सिक्स माइनस एटीन. आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको लिख लो. 87 का आंसर आएगा ए. देखिए क्वेश्चन नंबर 88. इफ दिस मैट्रिक्स 1 माइनस टैन थीटा टैन थीटा 1 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 टैन थीटा माइनस टैन थीटा 1 इट्स इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए माइनस बी बी ए देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर. तो चलो इसका इनवर्स फाइंड करेंगे. ये मैट्रिक्स ऐसे रखेंगे 1 माइनस टैन थीटा 1 इंटू. अब इसका इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इनटू दिस मैट्रिक्स. इसको करेंगे इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल्स को इंटरचेंज कीजिए. चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल यानी ये इसका एडजॉइंट निकाला तो ये आएगा माइनस टैन थीटा टैन थीटा. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू. अब ये 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये सेपरेट बाहर आएगा. अब इनका प्रोडक्ट लेना फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा यानी माइनस टू टैन थीटा. सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम टैन थीटा प्लस टैन थीटा इज टू टैन थीटा एंड माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी 1 माइनस टैन स्क्वायर. और जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ये पूरा मैट्रिक्स बन गया. तो दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स क्या बन रहा है देखिए. दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा. दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा. तो ये आएगा माइनस साइन 2 थीटा. ये आएगा साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा. जब हम कंपेयर करेंगे इनको तो ए की वैल्यू आएगी कॉस 2 थीटा और बी की वैल्यू आएगी साइन 2 थीटा. समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ. 89 में क्या दिया है देखिए. ए इज अ मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स दिया है 4x प्लस 2 2x माइनस 3 और x प्लस 1 इज अ सिमेट्रिक देन x इज इक्वल टू. सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी इसके ये एलिमेंट सेम होते हैं. किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1, 2 और 2, 1 प्लेस के एलिमेंट सेम होते हैं. तो इनको इक्वेट करेंगे 2x माइनस 3 इज नथिंग बट इक्वल टू x प्लस 2. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5. तो वैल्यू ऑफ x आएगी 5. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ. ए दिया है मैट्रिक्स. ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2, 3, 1 माइनस 2 और लिखा है A इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए देन अल्फा इज इक्वल टू. ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी. तो
तो हमें पता है ए इनवर्स यानी क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है देखो, वन अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री यानी माइनस सेवन इंटू एडजॉइंट क्या आता है, इसको इंटरचेंज करो यानी माइनस टू और टू, इसके साइन चेंज करो यानी माइनस थ्री और माइनस वन। इस माइनस साइन से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वन बाय सेवन इंटू दिस मैट्रिक्स टू थ्री वन माइनस टू, और तब जाके ये मैट्रिक्स ए यहां पे बनता है तो ये आएगा वन बाय सेवन ए। तो जब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय सेवन। तो योर आंसर इज वन बाय सेवन। वन बाय सेवन कहां लिखा है देखिए, सी इज योर करेक्ट आंसर, 90 का सी आंसर ये करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए देन एंड ए रेज टू एट, ए रेज टू एट इज इक्वल टू के इंटू ए देन के इज इक्वल टू, ऐसा पूछा है। तो देखते हैं आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है हमें टू इंटू ए, तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ टू इंटू ए। समझ में आ रहा है? तो ए की ऑर्डर कितनी है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, देखेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा टू रेज टू एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा टू रेज टू एन, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू एट इज इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए, तो यहां पे आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू सेवन इज इक्वल टू आएगा के रेज टू एन। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू एन की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है टू रेज टू एन, तो ये आएगा टू रेज टू एन रेज टू सेवन इज इक्वल टू के रेज टू एन। तो nth रूट दोनों साइड का निकालेंगे तो टू रेज टू सेवन इज इक्वल टू के आएगा, तो के की वैल्यू आएगी टू रेज टू सेवन। के की वैल्यू क्या आएगी, 2 raised to 7 is the value of k, answer आएगा D। आप एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, प्रॉपर्टीज का यूज करते आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 नंबर, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्या क्या होता है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है, ओमेगा रेज टू फोर ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन की वैल्यू जीरो होती है। इतनी तीन चीजें आपको याद रखनी है। और अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा इंटू दिस मैट्रिक्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और ये थर्ड होगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू फोर। सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू फोर प्लस वन, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर,
थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट, ये लास्ट कॉलम जो है यहां पे ओमेगा है, तो ये आएगा ओमेगा, फिर ओमेगा रेस टू फोर प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। तो हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है और ओमेगा रेस टू फोर की वैल्यू ओमेगा है, तो ये क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है यानी ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, यहां पे इसकी वैल्यू ओमेगा होगी तो ये भी आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, ये भी आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, यानी हर एक टर्म बन जाने वाली है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन। और हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा जीरो 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 जीरो, यानी ये जो मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट जीरो मैट्रिक्स, इट इज नथिंग बट जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो 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 वाला आंसर कौन सा है, जीरो मैट्रिक्स सी इज योर करेक्ट आंसर, सी आंसर आपका करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। देखिए 93 नंबर में है इफ ए इनटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया है 7 6 -1 4 2 3 और 1 3 0, और सामने दिया है मैट्रिक्स 4 2 3 1 3 0 7 6 -1, जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक कर सकते हो। ऑप्शन ए में दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखिए अगर हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 0 0 आएगा यानी 7 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, चेक कीजिए फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0 4 0 यानी 4, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम तो ये आएगा 0 + 2 + 3 यानी 2, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम तो 0 + 3 + 0 यानी 3, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम किया तो ये आएगा सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम तो आएगा 7, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ये है 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0, तो फर्स्ट रो इनटू ये तो किया है हमने बराबर आता है, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे तो सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे तो 3, सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम करेंगे तो 0, और थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 7, थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम ये 6 और थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम ये आएगा -1, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आपकी सबसे इजी मेथड होगी, इसे हम बोलेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। 94 नंबर में क्या दिया है, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 2 इनटू दिस मैट्रिक्स 1 - 4 - 1 2 देन ए इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट ए इनवर्स का इनवर्स निकाल सकते हो तो ए मिल जाता है, वो भी कर सकते हो, या आपको निकालना है सिंपली जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन ए में, जैसे पहला मैट्रिक्स दिया है 2 4 - 1 1, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए 2 + 4 6 आएगी यानी इसका इनवर्स आएगा, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स
इज 1/6 इनटू मैट्रिक्स, तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। ऑप्शन बी की तरफ जाइए, ऑप्शन बी में दिया है 2, 4, 1, -1, जिसका भी इनवर्स -6 आता है तो 1/-6 इनटू डिटरमिनेंट आएगा, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, 2, -4, 1, 1 इसका आएगा 1/6 इनटू मैट्रिक्स, यानी ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी में जाएंगे 2, 4, 1, 1 तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 2, -4 यानी -1/2, इंटरचेंज करो डायगोनल्स यानी ये 1, 2 और -4, -1 तो चेक कीजिए ऑप्शन 1, -4, -1, 2 × -1/2 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसे भी हमने यूज किया ट्रायल एंड एरर मेथड। आगे चलो 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 5, 3, 4, 3, फाइंड करना है हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। तो आपको प्रॉपर्टी याद होना जरूरी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आर। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 15 - 20 यानी -5 आर। आई यानी ये मैट्रिक्स हो गया तो के की वैल्यू डेफिनेटली आएगी -5। द वैल्यू ऑफ के इज -5, चेक कीजिए -5 कहां पर है, 15 - 12 यानी कितना आएगा 3 आर आएगा, तो के की वैल्यू 3 आएगी, सॉरी के की वैल्यू आएगी 3। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मैंने जैसे यहां 5 समझा इसलिए 15 - 20 हो गया, 15 - 12 यानी 3 आर, तो की वैल्यू आपकी 3 आएगी। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया है, 96 इज मैट्रिक्स ए इज गिवन 2, -1, 3, 1, 1, -1 और 0, 2, 3। क्वेश्चन पूछा है देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए। अब एन की वैल्यू यानी इसकी ऑर्डर है 3/3 यानी एन की वैल्यू 3 हो गई यानी ये आएगा 3 - 2 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए आएगा, समझ में आ रहा है आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा देखिए 2 × (3+2, 5+1) (3-0, 3) + (3)(2). तो ये आएगा 10 + 3 + 6 यानी 19, तो ये आएगा 19a। तो D इज योर करेक्ट आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ रही है 19, तो 19a ये आंसर D में दिया है। नेक्स्ट 97 नंबर, 97 में दिया है दिस प्रोडक्ट 3, 2, 1, 5, 4, 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 1, 2, 5b, a0 इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल यानी इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 आने वाले हैं, यानी इसको हम प्रोडक्ट लेंगे 3+10 (13+a), 6+2b (0), 5+(25+2a) और लास्ट एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं, ये दो एलिमेंट 0 है यानी 2b + 6 = 0 और 2a + 25 = 0, तो b इज इक्वल टू आएगा -3, a इज इक्वल टू आएगा -25/2। तो चेक कीजिए -25/2 और -3 यानी d इज योर करेक्ट आंसर, चेक कीजिए आप। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट 98 की तरफ। देखिए 98 में
इफ द मैट्रिक्स 1 0 2 -1 इंटू पी इंटू मैट्रिक्स 2 1 1 1 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 8 3 9 2 देन पी इज इक्वल टू इसको भी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हो आप या ये 2x2 के मैट्रिक्स है जैसे मैंने इसको नाम दिया ए इसको बी और इसको सी ऐसा नाम दिया तो ये इक्वेशन बनेगा ए इंटू पी इंटू बी इज इक्वल टू सी तो बी इनवर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू पी इंटू बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आएगा ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स तो ये आई हो जाएगा तो P इज इक्वल टू आएगा ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स तो चलो ए इनवर्स निकालते हैं ए इनवर्स में इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है -1 ए का डिटरमिनेंट यानी 1/-1 इंटू दिस मैट्रिक्स इसको इंटरचेंज कीजिए -1 1 इसके साइन चेंज कीजिए 2 -2 इंटू सी मैट्रिक्स है यहां पे 8 3 9 2 इंटू बी इनवर्स इसका 2 -1 डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/1 इनटू दिस मैट्रिक्स इसको इंटरचेंज कीजिए 1 2 ये -1 -1 तो फाइनली ये आएगा ये माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 -1 इनटू मैट्रिक्स 8 3 9 2 इनटू दिस मैट्रिक्स 1 -1 -1 2 चलो अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे क्या आता है प्रोडक्ट फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 8 फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 3 सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 16 -9 7 और 6 -2 4 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 -1 -1 2 तो ले लीजिए इनका प्रोडक्ट अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 8 -3 5 -8 +6 -2 7 -4 3 और -7 + 8 1 तो आंसर आएगा 5 -2 3 1 5 -2 3 1 देखिए ऑप्शन कहां पर है 5 -2 3 1 सी इज योर करेक्ट आंसर 5 -2 3 1 देखिए कैसे करना है नहीं तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड यानी जो ऑप्शन दिए इसको यहां पर लिख के इनका प्रोडक्ट लेके भी देख सकते हो आपको आपका आंसर मिल जाएगा चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ ए क्यूब इज इक्वल टू दिया है ए क्यूब इज 8 -57 0 27 तो ए पूछा है इसको भी ट्रायल एंड एरर मेथड में जाएंगे ऑप्शन ए में दिया है 2 1 0 3 इसका पहले स्क्वायर करके देखो क्या आएगा 4 + 0 = 4 2 + 3 = 5 0 + 0 = 0 और 0 + 9 = 9 ये आ गया ए स्क्वायर अब इसको इसी मैट्रिक्स 2 1 0 3 से मल्टीप्लाई कर तो ए क्यूब कितना आएगा 8 + 0 = 8 4 + 15 = 19 ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे ए क्या दिया है हमें 2 - 3 = 0 3 तो इसका ए स्क्वायर करेंगे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 + 0 = 4 -6 - 9 - 15 0 + 0 = 0 और 0 + 9 = 9 इसको मल्टीप्लाई करो 2 - 3 = 0 3 से और क्यूब करके देखो इसका फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 8 + 0 = 8 फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम -12 - 45 -57 ये 0 + 0 0 + 0 = 0 और ये आएगा 0 + 27 = 27 तो ये मैट्रिक्स हमें मिल गया ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है आपको तो 99 में भी हमने क्या किया यूज ट्रायल एंड एरर मेथड ऑप्शंस की तरफ से जाएंगे ट्रायल एंड एरर तो ये आप यूज कर सकते हो चलो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ
देखिए 100 में क्या दिया है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स 0 1 -1 0 एंड एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन एक्स और वाई के रिलेशन फाइंड करने हैं। देखिए इस मैट्रिक्स में हम एक्स इंटू आई है 1 0 0 1 प्लस वाई इंटू ए मैट्रिक्स है 0 1 -1 0, इसका स्क्वायर दिया है ए। अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैट्रिक्स आएगा x 0 0 x प्लस 0 y माइनस y 0, इसका स्क्वायर a है। यानी इस मैट्रिक्स x y माइनस y x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आता है 0 1 -1 0। तो चलो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज 2xy, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज माइनस 2xy, और माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 0 1 -1 0। कंपेयर करो दोनों साइड्स तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2xy is equal to 1, compare करके। अब 2xy is equal to 1, यानि x into y is equal to 1 by 2, तो यहां पे हमें ये मिलेगा, x is greater than 0, then y is greater than 0, और if x is less than 0, y is less than 0, यानि दोनों एक तो same sign के हैं या opposite sign के हैं। और यहां से हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वाई मिलता है। लेकिन एक्स और वाई के साइन सेम है, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है, a इज इक्वल टू 1 -1 2 -1 एंड b इज इक्वल टू 1x 4y एंड a प्लस b होल स्क्वायर इज गिवन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको पता है a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर प्लस ba प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी ए बी इज इक्वल टू आएगा माइनस बी ए। तो ए मैट्रिक्स दिया है हमें यहाँ पे 1 -1 2 -1, बी मैट्रिक्स है 1x 4y इज इक्वल टू माइनस, ये मैट्रिक्स बी है 1x 4y और इन टू दिस मैट्रिक्स 1 -1 2 -1। तो चलो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 1 -4 -3, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम इज x - y, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम इज 2 -4 -2, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम इज 2x - y इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम इज 1 + 2x, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम इज -1 - x, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम इज 4 + 2y एंड सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम इज -4 - y। कंपेयर करेंगे हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आएगा -3 इज इक्वल टू -1 - 2x, तो 2x इज इक्वल टू मिलेगा 2, तो x की वैल्यू आएगी 1। और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -4 - 2y, तो 2y इज इक्वल टू आएगा -2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -1, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, आंसर c इज योर करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 102,
If x is equal to matrix 3 minus 4, 1 minus 1, then x raised to n is equal to. इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है. एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस हमने बोर्ड में भी सॉल्व किए हैं, लेकिन वहां पे हमने मेथड ऑफ इंडक्शन यूज किया था. लेकिन जहां आपको चार ऑप्शंस दिए हैं हमें, यहां मेथड ऑफ इंडक्शन यूज करना पॉसिबल नहीं होगा, तो यहां पे हमें ट्रायल एंड एरर मेथड लेके ही जाना है. एक्स रेज टू एन यानी एक्स का पावर निकालना है. एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू अगर वन है तो ये इसको मैच करना चाहिए. अब जैसे एक्स की वैल्यू वन डालते हैं तो यहां पे ये पहले इसमें देखिए ये 2n आया है, यानी हमने n की वैल्यू 1 अगर डाले, x की n की वैल्यू 1, जैसे हम यहां पे लिखेंगे, पहले हम n is equal to 1 के लिए चेक करेंगे तो x raise to n क्या आएगा, ये x आना चाहिए. अब ये ऑप्शन ने उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि n की वैल्यू 1 डालने के बाद हमें यहां पे ये x मैट्रिक्स मिलना चाहिए. जैसे पहले ऑप्शन ए में डालते हैं तो यहां पे 2 माइनस 3 1 माइनस 1 आएगा, 2 आता है यहां पे, यानी ये ऑप्शन तो गया. अब इसमें रख के देखेंगे, यहां 3 प्लस 1 4 आएगा तो ये भी ऑप्शन गया. अब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहां पे आएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये बराबर आता है, लेकिन ये अभी करेक्ट नहीं है. पहले इसको चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 अगर डालते हैं तो ये 1 प्लस 2 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 1 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी डी और सी दोनों ऑप्शंस n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई करते हैं. तो हम n इज इक्वल टू 2 डालेंगे यानी x स्क्वायर, तो ये क्या आता है देखिए, x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू दिस मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 माइनस 1. देखिए चलो वो स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 4 यहां पे आना चाहिए 5, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस 12 प्लस 4 यहां पे आना चाहिए माइनस 8, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 1 यहां पे आना चाहिए 2, और माइनस 4 प्लस 1 यहां पे आना चाहिए माइनस 3. एन की वैल्यू 2 डालने के बाद ये मैट्रिक्स आना चाहिए. अब इसमें और इसमें चेक करना है, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3 स्क्वायर यानी 9 आएगा यहां पर. n की वैल्यू 2 डालने के बाद ये पहला एलिमेंट 9 आएगा, हमें 5 चाहिए तो ये ऑप्शन आपका गलत है. इसमें डाल के देखते हैं n की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 4 5 आएगा, n की वैल्यू 2 ये माइनस 8 आएगा, n की वैल्यू 2 ये 2 आएगा, n की वैल्यू 2 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये कैसे चेक करना है उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर यूज की है वो आप अच्छे से देख लीजिए, इसको रिवाइज करके फिर से देख लीजिए. फिर 103 की तरफ जाएंगे. 103 में क्या दिया है देखिए, ये मैट्रिक्स दिया है 103 cos square alpha, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन. हमने इसके पहले ये क्वेश्चन 31 में देखा है, सिमिलर टू क्वेश्चन 31, सेम क्वेश्चन था. इसमें हमें जो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा वहां पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आएगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर. आप इसके लिए चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन जो हमने सेकंड लेक्चर में सॉल्व किया था, थर्ड लेक्चर में मैट्रिसेस के. 104 नंबर 31 क्वेश्चन देखिए, देन 104 नंबर ए दिया है मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. अब इसके पहले ही लेक्चर में हमने ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ सीखा था, तो ए क्यूब निकालना है तो ये आएगा ए ऑफ 3 थीटा, यानी ए 3 थीटा क्या होता है, ए क्यूब आएगा सिंपली कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा. तो इसे चेक कर लीजिए ऐसा ऑप्शन कहां है, cos 3 theta sin 3 theta minus sin 3 theta cos 3 theta, यानी C option is correct option. इसके बाद 105 की तरफ जाएंगे, X matrix दिया है, XYZ D दिया है, A दिया है,
और दिया है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी, देन x इज इक्वल टू, तो चलो a का इनवर्स निकालते हैं। a मैट्रिक्स क्या दिया है यहां पर, a मैट्रिक्स दिया है मैट्रिक्स 1 -1 -2 2 1 1 4 -1 -2। तो चलो इसका इनवर्स निकालते हैं। चलो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या आएगा -2 + 1 यानी -1, यहां पे लिखेंगे -1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ते हैं, ये आएगा -4 - 4 यानी -8। साइन चेंज करके इसको लिखेंगे 8। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं, ये आएगा -2 - 4 यानी -6, यहां पे आएगा -6। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये आएगा -1 - 8 - 9 + 12 - 9 + 12 = 3। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 आएगी। देख लीजिए ये क्या किया है हमने, कोफैक्टर निकाले हैं, ये तीन एलिमेंट के कोफैक्टर, और किसी भी तीन एलिमेंट के कोफैक्टर ने उन्हीं के कोफैक्टर्स को एलिमेंट ने उन्हीं के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई किए तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। चलो इस एलिमेंट के लिए जाते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 2 + 2 - 2 = 0 यहां पे आएगा 0। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, -2 + 8 यहां पे आएगा 6। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं, -1 + 4 यानी 3, साइन चेंज करके आएगा -3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -1 + 2 यानी 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 + 4 = 5, साइन चेंज करके -5। और थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 1 + 2 = 3 यानी यहां पे आएगा 3। इनटू मैट्रिक्स डी क्या दिया है देखते हैं, डी मैट्रिक्स क्या दिया है यहां पर, 3 5 11 3 5 11। तो चलो इनका प्रोडक्ट करेंगे, 1/3 इनटू दिस मैट्रिक्स, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, -3 + 11 ये आएगा 8। सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 24 + 30 - 54 - 55 = -1 और ये आएगा -18 - 15 - 33 + 33 = 0। तो आंसर आएगा 8/3 - 1/3 = 0। तो चेक कर लीजिए, 8/3 - 1/3 = 0, 8/3 - 1/3 = 0, ऑप्शन आएगा बी, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी दिया है, तो हमने ए इनवर्स डाला और डी डाला, ठीक है, और इसको चेक कर लिया। इससे आप ट्रायल एंड एरर मेथड बेसिस भी कर सकते हो, जैसे यहां जा और ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी जो है, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इंटू डी ऐसा आएगा, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी आएगा। अब आप इसको एक एक ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में आपको एक्स दिया है, ये आपके सामने है, एक एक ऑप्शन आप इधर से रख के ये प्रोडक्ट करके देख सकते हैं कि कहां इसका आंसर करेक्ट आता है, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, या मैंने जैसे किया है, ए दिया है तो ए इनवर्स निकालो और प्रोडक्ट करके डायरेक्ट आंसर निकालो, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं इसको। यहां पे हम स्टॉप करते हैं 105 को, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 106 से।